Hello everyone, I welcome you all. In this video, again we will see examples on continuous time Fourier transform. Now this question was asked in the university examination, as well as these all questions are presented in P. Ramesh Babu's book on signals and systems. So here the question is, find continuous time Fourier transform of the given signal x of t, whose Fourier transform is x of j omega. यानी कि x ऑफ t एक सिग्नल दिया है, उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म है x ऑफ j ओमेगा, और ये हमें फाइंड आउट करना है यूजिंग फोरियर ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज. सो द फर्स्ट सिग्नल दैट इज गिवन इज x1 ऑफ t एज x ऑफ 2 माइनस t प्लस x ऑफ माइनस 2 माइनस t. नाउ टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर सिग्नल, इट इज गिवन एज x ऑफ 2 माइनस t. अब अगर x ऑफ 2 माइनस t हमें डिटरमाइन करना है या फिर इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म डिटरमाइन करना है, so first we'll find the value of x of minus t. तो देखिए in the question they have given Fourier transform of x of t is x of j omega. अब अगर हम इसका Fourier transform find out करेंगे, Fourier transform of x of minus t, तो हम यूज करेंगे time reversal property. उसके बिहाफ पे इसका Fourier transform आ जाएगा एक्स ऑफ माइनस जे ओमेगा. क्लियर, तो ये तो आ गया एक्स ऑफ माइनस टी. अब इस एक्स ऑफ माइनस टी को हमने 2 यूनिट से शिफ्ट किया है, तो हम सेकंड प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी. एक तो यहाँ पर हमने यूज़ किया टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी, अब हम यूज़ करेंगे टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी. सो यू विल राइट हियर यूजिंग टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी. इसका स्टेटमेंट हमें पता है, if x of t is any signal whose Fourier transform is x of j omega, if I shift this signal by t naught unit, so we'll get the Fourier transform as e raised to minus j omega t naught into x of j omega. यानी कि जितने भी यूनिट से हमने यहाँ पर शिफ्ट किया है उतना यूनिट हम ऐड करेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन. सो बेस्ड ऑन दैट वी विल फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ 2 माइनस टी. इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आ जाएगा ई रेस टू माइनस जे ओमेगा, 2 यूनिट से शिफ्ट किया है, इनटू एक्स ऑफ माइनस जे ओमेगा. अब ये एक्स ऑफ माइनस जी ओमेगा, क्योंकि यहाँ पर एक्स ऑफ माइनस थी था, तो ये आ गया एक्स ऑफ माइनस जी ओमेगा. तो ये तो आ गया इस वाले फंक्शन का. अब अगर इस वाले फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म लिखेंगे, यू कैन राइट डायरेक्टली नाउ फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ माइनस 2 माइनस टी विल बी, यहाँ पर माइनस 2 यूनिट से शिफ्ट करना है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर ये मिलेगा ई रेस टू 2 जे ओमेगा इंटू एक्स ऑफ माइनस जे ओमेगा. क्लियर, अब इन दोनों सिग्नल का हम करेंगे एडिशन, सो दैट यहाँ पर हमें मिलेगा फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्स वन ऑफ जे ओमेगा इज इक्वल टू फर्स्ट वन ई रेज टू माइनस 2 जे ओमेगा एक्स ऑफ माइनस जे ओमेगा, ई रेज टू प्लस 2 जे ओमेगा एक्स ऑफ माइनस जे ओमेगा. सो इफ आई टेक एक्स ऑफ माइनस जे ओमेगा इज कॉमन, we'll get this equation e raised to 2j omega e raised to minus 2j omega. अब अगर इस फंक्शन को हम प्रॉपरली एनालाइज करेंगे तो इट इज़ गिवन इन द फॉर्म ऑफ e raised to थीटा प्लस e raised to माइनस थीटा, तो ये कॉस फंक्शन में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट इट शुड बी डिवाइडेड बाई 2. तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये हो जाएगा कॉस आएगा. सो विल बी गेटिंग दिस आंसर एज 2 इंटू एक्स ऑफ माइनस जी ओमेगा इंटू कॉस ऑफ 2 ओमेगा, बिकॉज इट इज़ गिवन ई रेस टू जे थीटा. यहाँ पर हम फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, रीजन इज ई रेस टू जे थीटा ई रेस टू माइनस जे थीटा डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा. सो दिस विल बी आवर आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन. ओके, सो वी हैव यूज्ड प्योरली properties of Fourier transform. Now let us check the second example. Now we have second question. x2t एज एक्स ऑफ 2t-3। अब इस वाले फंक्शन को अगर हम एनालाइज करेंगे तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो एक्स ऑफ t-3 का फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे और बाद में उसका टाइम स्केल करेंगे बाय 2 यूनिट्स। सो लेट्स राइट फर्स्ट दैट फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ t-3। अब ये जो एक्स ऑफ t है ये 3 यूनिट से शिफ्ट हो रहा है, तो हम अगेन टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा e⁻³ j⍵ एक्स ऑफ t का फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ j। क्लियर। अब इसे टाइम स्केल करना है बाय फैक्टर ऑफ 2 यूनिट्स, तो हम लिख सकते हैं यूजिंग टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट हमें पता है, वी हैव सीन दैट प्रॉपर्टी आल्सो। इफ एक्स ऑफ t बी एनी सिग्नल whose Fourier transform is x of j⍵, then if I time scale this by beta factor, so we will get its Fourier transform 1/beta x of j⍵/beta. So we'll use this property as Fourier transform x of 2t-3 will be equal to, अब बीटा इज इक्वल टू 2 है तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू एक्स ऑफ। अब देखिए ये पूरा फोरियर ट्रांसफॉर्म था एक्स ऑफ t-3 का, तो जहाँ पर भी j⍵ है उसको हम डिवाइड करेंगे बाय बीटा यानी कि 2, तो ये आ जाएगा एक्स ऑफ j⍵/2 इंटू एक्सपोनेंशियल टर्म e⁻³/2 j⍵. Even if we rewrite this, our answer will be 1/2 e⁻³/2 j⍵ x of j⍵/2. So this will be our Fourier transform of second signal. Fine. Let's see another examples correlated with the same question.